Hello friends, today we will discuss about the Jindal map. So Jindal map, ये आपका नाइट्रोजन के जो एस्टिमेशन करते हैं कि भाई किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी नाइट्रोजन है, ये उसके लिए यूज होता है। ये वहां पर ही मतलब एप्लीकेबल है जहां कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्ड होता है, ठीक है। ये आपका जैसे क्यूनोलिन है उसमें आपका एप्लीकेबल नहीं है, या पिरिडीन है उसमें भी आपका एप्लीकेबल नहीं है, या फिर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाइट्रो ग्रुप वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनमें भी नाइट्रोजन का एस्टिमेशन ये नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बाकी इन सब के अलावा जितने भी हैं उनका हम यहाँ नाइट्रोजन एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मेथड है और कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है। इन मेथड्स में मतलब आईडीजे के हिसाब से आपको भले मेथड पता हो या नहीं पता हो तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आप बेसिक मोल कंसेप्ट तो और प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से होता है। लेकिन चलिए यार मेथड डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेथड को समझना बहुत जरूरी होता है कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो मेथड है इसका आप आगे चल के अभी वीडियो भी देखेंगे, भाई वीडियो में किस तरीके से प्रोसेस लैब में हो रहे हैं तो और बढ़िया आप समझ सकेंगे। तो ये आपका जिंडाल फ्लास्क होता है, एक स्पेशल टाइप का फ्लास्क होता है, थोड़ा इजीनेस के लिए मैंने यहाँ पर साइड स्टैंड वगैरह लगाए जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं या उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, प्लस CuSO4 प्लस K2SO4 के साथ उसको प्लस H2SO4 ले लेते हैं, तो इसके साथ आप इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप हीट करते हैं इसके साथ तो कॉपर सल्फेट जो होता है ये आपका कैटलिस्ट का काम करता है, और K2SO4 जो होता है ये H2SO4 के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने का। तो इसको आप स्ट्रॉन्गली हीट करके जो है मैटेरियल को पूरे को केमिकल रिएक्शन कराते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन है उसको आप इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये जो आपका जिंडाल फ्लास्क से कंटेंट आता है इसमें आप NOH सॉल्यूशन डाल, ठीक है, ये आपका जिंडाल ट्रैप है। इससे जो है आपकी यहां पर जो NOH है वो अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट करके आपकी अमोनिया निकालता है। अमोनिया जो है यहां से आप कोल्ड वाटर पास करते हैं और यहां से आउट हो जाता है, ठीक है। तो जो अमोनिया है उसकी आप यहां पर एसिड से नॉन एसिड के स्ट्रेंथ से आप जो है उसकी सीधी टाइट्रेशन कर, और जो आपका एक्सेस एसिड बचता है इसकी आप NOH से टाइट, ठीक है। आप इसके जो डेरिवेशन है कि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है उसमें आप कोई फार्मूला याद मत नहीं समझ देंगे, विशेष के लिए सिंपल सा लॉजिक समझिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन किस में गई, अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम सल्फेट से क्या आई अमोनिया, अमोनिया ने इससे क्या करा आपका H2SO4 से, ठीक है, ठीक है। तो इनके जो मोल्स होंगे उनमें हम रिलेशन जोड़ते चले, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है वो हमें स्टार्टिंग का पता ही है कि W ग्राम है, तो उसकी वजह से हम क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है बच्चे इसके फार्मूले वगैरह याद करते हैं और फिर मतलब याद करते हैं भूल जाते हैं, और भूल जाने के बाद जो है फिर एग्जाम में परेशान करते हैं। आपका जो सिल्वर सॉल्ट मेथड है और प्लेटिनिक क्लोराइड मेथड है उसमें भी आप फार्मूले याद नहीं करें, बेसिक रिएक्शन याद कीजिए और किस तरीके से फिर क्वेश्चन करने हैं वो सब को ला के वो सब, ठीक है ना। आप बाकी मतलब बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करें।
Thank you.
तो ये आपका क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ 0.303 ग्राम ऑफ कंपाउंड वाज एनालाइज्ड बाय जेल्डाल मेथड। द अमोनिया वाज इवॉल्वड इन 50 ml ऑफ 0.05 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। द एक्सेस ऑफ एसिड रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी नाइट्रोजन के साथ कन्वर्ट हुई अमोनिया। ठीक है, जो आपने अमोनियम सल्फेट बनाया उसकी एनालिसिस रिएक्शन, और ये किसमें अब्सॉर्ब हुई, H2SO4 में। ठीक है, तो ये H2SO4 के साथ इसके 2 मोल अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। ठीक है, और आपका जो है एक्सिस H2SO4 NaOH से रिएक्टर न्यूट्रलाइज हो रहा है आपका। ठीक है, यूजफुल आप इंडिकेटर में से निकाल। तो H2SO4 के आप मिलीमोल देखें तो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं, 15 × 0.05। ठीक है, तो ये आपके बैठेंगे कितने, 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 2.5। ठीक, और NaOH के मिलीमोल कितने बैठेंगे, 2.5। ठीक, इसके आपके 2। तो इसके 2 मोल से इसके कितने रिएक्ट करते हैं, आपके 1 मोल। तो 2.5 से इसके मिलीमोल कितने रिएक्ट करे होंगे, 1.25। यानी जो नाइट्रोजन से आपके H2SO4 के मिलीमोल रिएक्ट करे होंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट विद अमोनिया, That is 1.25 मोल। और इसके 1 मोल से इसके 2 मोल, तो मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया कितने जाएंगे, That is 1.25 into 2, 2.5। और एक अमोनिया में जो है नाइट्रोजन कितनी है, 1 मिली वो है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मास कितना है, 0.303 ग्राम, कंटेन्स नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2.5 मिली। ठीक है, तो इसको मास में कन्वर्ट कर दें, तो मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 10^-3 × 14। ठीक है, ये नाइट्रोजन इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी डिवाइड कर देंगे 100 ग्राम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका, 2.5 × 10^-3 × 14 डिवाइड बाय 0.303 × 100। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 11.55। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और आपको पता भी नहीं है रिएक्शन तो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई मैथड नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन को देख के लहार मत मानिए और कोशिश कीजिए मोल के सबसे मिलने के लिए। ठीक है, मोल लगाइए सिंपल सिंपल, आपके सॉल्यूशन होंगे। इसको यदि आप फार्मूले में बदलना चाहे तो फार्मूले में बदल सकते हैं। ठीक है, ठीक है कि भाई ये जो है आपका, ये क्या है रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है आपके मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ठीक है, और जो भी H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं, और ये 14 का फैक्टर होगा, तो इस तरह आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो बेसिक लॉजिक को मतलब समझने की कोशिश कीजिए, और उसको आप समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान आपके लिए रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है जे मीन्स में आया था आपका, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डाइजेस्टेड बाय जेल्डाल मेथड एंड द अमोनिया वाज एब्जॉर्ब्ड इन 60 ml ऑफ M/10 सल्फ्यूरिक एसिड। द अनरिएक्टेड 20 ml ऑफ M/10 NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रोजन थी वो अमोनिया में कन्वर्ट हुई, अमोनिया ने H2SO4 के साथ रिएक्ट करा, और आपका जो ये था क्या नाम है H2SO4 एक्सेस ने NaOH के साथ रिएक्शन करा, पॉइजन।
तो एचटीएसओ 4 के मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे आपके पास 6 मिलीमोल, ठीक है, और NaOH के मिलीमोल कितने हो जाएंगे 2 मिलीमोल। 6 में से कुछ पार्ट तो आपका H2SO4 NaOH से रिएक्ट करा, कुछ अमोनिया से, तो आपको तो उसी से मतलब है जिसने अमोनिया के साथ रिएक्ट करा, तो इसके 2 मिलीमोल, तो इसका कितना हो जाएगा 1 मिलीमोल, ठीक है, और इसके 5 मिलीमोल थे जिन्होंने आपका अमोनिया से रिएक्ट करा था, तो इसके 1 मोल और इसके 2 मोल, तो अमोनिया के कितने मिलीमोल हो जाएंगे 10 मिलीमोल। तो यानी और इसमें एक अमोनिया मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम होता, यानी आपका 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 10 मिलीमोल, इसको मास में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, तो 1 ग्राम और 100 ग्राम दैट इज इक्वल टू 10%। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपकी जो नाइट्रोजन है दैट इज 10%, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट।